दोस्तों, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है इसीलिए कि अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किए हैं अभी तक 2023 के 31 मार्च से पहले, अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हो तो आपका पैन कार्ड कैंसिल भी हो सकता है, ऐसा सूचना मिला है जो कि हमें लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। बहुत लोगों को अभी तक नहीं पता है तो हमने सोचा आपको जरूर बताना चाहिए, तो इसी वजह से आज हम वीडियो बनाए हैं। अगर अभी तक आपने अपना पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किए हैं तो जल्दी से लिंक कर लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम फेस हो सकता है। और एक बात, पहले आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक करने में फ्री में हो जाता था, जो कि मैंने खुद किया हूँ। ठीक है, 2 साल, 4-5 साल पहले, 4-5 साल नहीं होगा, 2-3 साल पहले हमने खुद किए थे तो फ्री में हुआ था। उसके बाद 500 रुपया में स्टार्ट हुआ, जब आप लिंक करते हो तो 500 रुपया आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अभी के टाइम पे अगर बात करूं तो आज के टाइम पे आपको आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक करने के लिए 1,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे भी कंप्यूटर पॉइंट में जाके करवाते हो तो वहां पर तो और भी 1-200 रुपया चार्ज एक्स्ट्रा करेगा, क्योंकि वो आपका पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करवा दे रहा है, जिसके वजह से आपका लगभग 1,200 रुपया खर्चा हो सकता है। ठीक है, 1,000 रुपया आपको टैक्स के माध्यम से वहां पर देना पड़ेगा, जब आप लिंक करोगे तो वहां पर ऑप्शन आ जाएगा। तो ये करवाना ही है, हम तो करवा चुके हैं, मेरा मम्मी और पापा का बाकी है तो वो भी हम 31 मार्च से पहले कर लेंगे, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सुनने में आया है कि अगर लिंक नहीं करते हो 31 मार्च से पहले तो प्रॉब्लम फेस हो सकता है, सुनने में आया है कि कैंसिल भी हो सकता है, ऐसा कुछ सुने थे, तो उतना कंफर्म हम नहीं है लेकिन ऐसे सुने थे। ठीक, तो हमने सोचा आपके साथ भी ये शेयर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हमारा जो सब्सक्राइबर है उसको भी पता नहीं हो सकता है, कुछ कुछ जो सब्सक्राइबर है तो ये वीडियो देखकर वो उसको भी पता चल जाएगा, जिसके वजह से हम आज ये वीडियो बनाए हैं। तो अगर लिंक नहीं किए हैं तो जल्दी से लिंक कर लीजिएगा।